चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में एक ऐसी खबर मीडिया में उड़ाई जा रही है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है। जी हां, मीडिया में यह खबर उड़ रही है कि शराब के नशे में सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह की सिलवासा के एक होटल में जमकर पिटाई की है। जी हां, इस दौरान होटल के कर्मचारी जब अक्षरा सिंह को बचाने आए तो पवन सिंह ने उनके सामने भी अक्षरा सिंह का बाल पकड़कर उनका सिर दीवार से टकरा दिया। अक्षरा सिंह और पवन सिंह जहां सिलवासा में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना सिलवासा के होटल दमन गंगा में शुक्रवार की रात 11:30 बजे घटी है। सूत्रों की माने तो घटना में अक्षरा सिंह का हाथ भी जख्मी हुआ है। खबर यह भी फैली हुई है कि पवन सिंह की शादी जब से हुई है तब से अक्षरा सिंह पर उनका जुल्म बढ़ गया है। वो लगातार उन्हें फिल्मों से निकलवा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह शराब के नशे में धुत थे और वो अपने कमरे से बाहर निकलने लगे। उस समय उन्होंने अक्षरा सिंह ने रोका। इसके बाद उन्होंने अक्षरा सिंह को गाली देते हुए उनके साथ मारपीट की। पवन सिंह आवाज सुनकर होटल के स्टाफ भी वहां पहुंचे, जिसके बाद खूब हंगामा मचाया गया। अब यह खबर कितनी सच्चाई है यह तो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि यह न्यूज भोजपुरी के पीआरओ शशिकांत के फेसबुक वॉल से लिया गया है। इस पर भोजपुरी गॉसिप्स की टीम पवन सिंह के न्यूज से कोई मतलब नहीं रखता है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह की फिल्में भोजपुरी दर्शक बेहद ही चाव से देखती है और इनकी फिल्में हमेशा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाती है। अब इस अफवाह से भोजपुरी दर्शकों पर क्या बीतेगी यह तो भोजपुरी दर्शक ही तय करेंगे।